दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को तो आप जानते होंगे, अलामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला की ज़ात भी मोहताज तारुफ नहीं। एक कलाम को लेकर के जो इख्तिलाफ़ अलामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला की इसलाह के बाद मंजर आम पर आया था, आपने देखा होगा न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने उस इसलाह को तस्लीम नहीं किया था, बिल्कुल भी फौरी तौर पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था और अपनी ज़हनियत को पेश करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब एक वीडियो जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के हवाले से, इलाहाबाद के आगे एक जगह कौशाम्बी और कौशाम्बी इलाके का ये स्टेज है, जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी की बेइज्जती का लाइव मामला आपकी निगाहों के सामने मैं रखूंगा। इसलिए कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने इसलाह को कबूल नहीं किया था, लेकिन ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ। किस तरह से ये मंजर जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी की निगाहों के सामने हो रहा है और लोग जलालत का तोप इनके गले में डालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो समझता हूँ न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से आपकी क्या राय है, आप भी अपने तास्सुरात कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा। जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को उस इसलाह को तस्लीम कर लेना चाहिए था तो शायद कि ये नज़ारा इनके निगाहों के सामने नहीं आता। उलमा की तज़ीम और तौक़ीर नहीं की, ये साफ जाहिर कर दिया जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने। हालांकि इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला परवरदिगार ही है। आज जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को किस तरह से बरसरे स्टेज बरसरे मजमा जलील किया जा रहा है वो वीडियो मैं आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ, उसको देखिएगा आखिर तक और अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप पहली मरतबा हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। प्लीज बैठ जाए, लोग देख रहे हैं, यूट्यूब को बंद किया जाए, यूट्यूब चैनल बंद कीजिए।